सपने को मैं एक नाम दे करके, पिताजी के सपने को एक नाम दे करके पूरा कर सकूं, ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके और मैं अपने परिवार की भी अच्छी तरह से, मैं भी एक सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, क्योंकि हर युवा का ये सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी, पिताजी का भी था कि मैं कुछ सरकारी नौकरी करूं और अपने पिता का नाम रोशन करूं, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी का 2 साल पहले कोरोना टाइम में देहांत, वीडियो देखा तो ये चीज़ सोचते हुए मुझे 2 साल हो गया। और किसी ने सच ही कहा है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उस चीज़ को करना चाहिए। आपको भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि सोचने में टाइम व्यर्थ ना करें। अगर आपके माइंड में कुछ है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस उस चीज़ को अपने जीवन में ले आइए और बस कर डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूँ पटना साहिब स्टेशन के पास में, और यहाँ पे एक सरकारी चाय वाला है जो कि काफ़ी पटना में ट्रेंडिंग में रहते हैं, चाय वाले जितने भी होते हैं। और इनका कुछ ऐसा स्टोरी है जो हम सुनकर सोचे कि नहीं, इनका जो स्टोरी है लोगों को बताना चाहिए, ताकि जो ये कहानी इन्होंने बताया है वो काफ़ी इमोशनल टच किया मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ आखिर क्या है, और इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते भैया। ये सरकारी चाय वाला, ये क्या सोचकर आपने ये नाम रखा? सर, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट ये मैंने कुछ सोचा नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज करना पड़ा, क्योंकि मैं भी सभी लोगों की तरह मैं भी एक सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हर युवा का ये सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करे, और खास करके बिहार में है। बिहार में, हाँ, तो लोगों का ये होता है सपना कि वो सरकारी नौकरी करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे, आगे की ओर बढ़े। तो ये सपना मेरे पिताजी का भी था कि मैं कुछ सरकारी नौकरी करूँ और अपने पिता का नाम रोशन करूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी का 2 साल पहले कोरोना टाइम में देहांत हो गया, जिसके कारण उनका सपना सपना ही रह गया। तो ये बात मेरे दिमाग में आती रही कि मैं कैसे किस तरह से उनके सपनों को पूरा कर सकूं। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब देख ही रहा था, तभी मुझे इस ट्रेंडिंग के बारे में पता चला कि आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा, ट्रेंडिंग चल रहा है चाय वाला, आप यूपी ले ले या बिहार ले ले या गुजरात ले ले, हर एक जगह चाय वाला, तो ये किनसे इंस्पायर हुआ? ये मैंने देखा था, पहले तो मैंने देखा था MBA चाय वाला का, प्रफुल्ल बिल्लोरे जी का, और फिर एक तो चाय सुट्टा बार का है, अभिनव दुबे भी जी शायद उनका नाम है, तो मैंने उनका भी वीडियो देखा। तो दोनों का वीडियो देख करके मुझे अच्छा लगा, उन दोनों का स्टोरी मुझे अच्छा लगा, उनसे मैं इंस्पायर हुआ, और फिर मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को अपने रंग में लाया जाए। इन लोगों को देखकर आपको लगा कि हमारा भी कैरियर इसमें बन सकता है? हाँ जी, बन सकता है। तो इस चीज़ को मैंने देखा और अपने बिहार में ये देखा कि दूसरे राज्य से आ करके लोग मेरे भी अपने बिहार राज्य में इस चाय से अच्छा अर्न कर पा रहे हैं और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में लाया और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस सपने को मैं एक नाम दे करके, पिताजी के सपने को एक नाम दे करके पूरा कर सकूं, ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके और मैं अपने परिवार की भी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं। और ये जो आप चाय में क्या क्या फ्लेवर दे रहे हैं अभी लोग? अभी फिलहाल में ये मेरा न्यू स्टार्टअप है, तो मैंने इस चीज़ में ज़्यादा भी फ्लेवर एड ऑन नहीं किया है, बट इसमें मैंने अभी सिर्फ पान फ्लेवर रखा है, चॉकलेट फ्लेवर रखा है, मसाला चाय रखा है, इलायची और अदरक का फ्लेवर अभी फिलहाल में रखा है मैंने, और इसमें आगे की ओर ये मेरा कोशिश है कि इसमें और कुछ ऐड ऑन मैं कर सकूं, और आगे चल के भगवान का रहा तो ज़रूर मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूंगा। एक चीज़ और बताइए कि पर डे का क्या सेलिंग होता है, क्योंकि बहुत लोग जो आपके भी वीडियो देखकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि हमें भी एक ऐसा कार्ड मिल जाए, और जो बेरोजगार है या जिनको पैसे कमाने के लिए कहीं नौकरी नहीं लग पा रहा है, तो वो एक स्टार्टअप के तौर पे देख सकते हैं। जी जी, ये स्टार्टअप एक ऐसा है जिससे में कभी भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, और इसमें आपको मतलब किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता है, बस इसमें छोटी सी शुरुआत में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें पूंजी लगाना पड़ता ही है। जी बताइए, कितने दिनों तक आप सोचे कि हाँ हमें चालू करना है? ये सोचने में मुझे 2 साल लग गया।
क्योंकि 2 साल पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ था कोरोना टाइम में। तो मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, किस तरह से करूं। फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो ये चीज़ सोचते हुए मुझे 2 साल हो गया। और किसी ने सच ही कहा है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उस चीज़ को करना चाहिए। काफ़ी अच्छा चीज़ इन्होंने बोला है, किसी चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। और इनको सोचने में 2 साल लगी है, उसके बाद ये पहला स्टेप इन्होंने अपना जो क्लियर करके और यहाँ पे अपना ठेला लगाकर स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। जी सर, जी जी, ये मैंने सोचते हुए मुझे अभी भी रिग्रेट है कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने इतना लाइट वाइट लगाया, ठेले काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आपके, तो इसमें कितना दिन लगा बनाने में और कितना लागत? इसमें करीबन मुझे जब मैंने इस चीज़ का ऑर्डर दिया था, इस कार्ड का ऑर्डर दिया था, तो मुझे 10 दिन का दिया गया था कि आपका कार्ड 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। और सच में 10 दिन में कार्ड बनकर तैयार हो गया था। और इसमें मुझे करीबन 40 से 45 हज़ार रुपया इसमें लागत लगा है, और मतलब कि इसमें हो सकता है। एक चीज़ और बताइए कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमें कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या चाय वाला जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है पूरे भारत में, क्योंकि लोग इंस्पायर हो रहे हैं प्रधानमंत्री को भी लेकर कि हमारे प्रधानमंत्री जब चाय वाला हो सकते हैं तो हम एक क्यों नहीं इसमें कैरियर बना सकते हैं, तो जो लोग आपको अभी देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि सोचने में टाइम व्यर्थ ना करें। अगर आपके माइंड में कुछ है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस उस चीज़ को अपने जीवन में ले आइए और बस कर डालिए, क्योंकि सोचने में टाइम व्यर्थ होता है और कुछ नहीं, सोचने में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। एक चीज़ बताइए, ये जो आपने स्टार्टअप डाला, आगे इसमें क्या आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर अभी तो मैंने स्टार्टअप डाला है, तो इसमें फ्यूचर मैं चाहूँगा कि मेरा फ्यूचर इसमें अच्छा बने अपने, मैं क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और ये कार्ड बनाने में भी मुझे बहुत कठिनाइयों का स्ट्रगल करना पड़े, इतना पैसा इकट्ठा करने में, क्योंकि एक बार 10 दिन में देना पड़ता है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये इस चीज़ को मैं आगे की ओर ले जा सकूँ, और सभी लोगों की तरह मैं भी ये सोचता हूँ कि इस चीज़ को आगे ले जाऊं और इसको एक कंपनी के रूप में क्रिएट करूं और लोगों की सेवा करूं। ये चीज़ बताइए, ये लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ पे? एक तो हो गया लैंडमार्क के तौर पे पटना साहिब रेलवे स्टेशन, और यहाँ के जो लोग देख रहे हैं पटना सिटी के, उनको किस तरीके से आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? ये मेरा कार्ड है पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास ही है, इधर से आप मारूगंज मंडी पड़ती है, उधर से आप आते हुए भी इधर मेरे कार्ड पे विजिट कर सकते हैं। और इधर हनुमान मंदिर जस्ट मेरे आगे हनुमान मंदिर पड़ता है, जो कि पटना का फेमस यहाँ पे हनुमान मंदिर है, तो इधर से भी आप आ सकते हैं। और इधर आने का रास्ता आपको हो जाता है, बाईपास से भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे यहाँ पटना सिटी का, जो कि गुरुद्वारा, हमारे यहाँ पे विजिट करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है गुरुद्वारा। हमारे यहाँ लोग गुरुद्वारा को देखने ज़्यादातर लोग आते हैं, तो आप यहाँ उस साइड से भी आ सकते हैं। तो ये थे सरकारी चाय वाला, इनका कुछ स्टोरी ऐसा है कि इनके फादर का अनफॉर्चुनेटली निधन हो जाता है कोरोना काल में, और उसके बाद ये पैसे को जोड़ जोड़ कर इधर उधर से लाकर अरेंज कर और ये स्टार्टअप इन्होंने डाला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इनका सोच काफ़ी अच्छा है कि आज ये एक छोटा सा ठेला स्टार्ट किए हैं, आगे फ्रेंचाइजी तौर पे इसको ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक चीज़ बताइए, ये जो प्रियंका चाय वाली या प्रफुल्ल बिल्लोड़े हैं, वो जिस तरीके से फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, आगे आपका क्या रहेगा इसमें? मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, मैं भी आगे चलकर अब इस चीज़ को, अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं भी इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ा सकूँ। क्योंकि यहाँ क्या हो गया है ना कि लोग यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं चाय पी रहे हैं, उन लोग का क्या रिव्यू है? क्योंकि बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आए हुए थे, एक हमें अभी जिनसे बात हो रही थी वो हाजीपुर से आए हुए थे, कि ट्रेन यहाँ से हमने पकड़ा था और यहाँ चाय पिया था जी। तो फिर और कैसे मतलब लोगों का इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे? सर क्योंकि ये रेलवे के साइड में है, तो यहाँ पे ठेला इस टाइप का बनाया हुआ है कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और यहाँ पे लोग नाम पढ़ करके ही आते हैं कि यहाँ सरकारी चाय वाला है, चलो एक बार पी करके देखते हैं, तो लोग आते हैं पीते हैं। उनसे जब मैंने उनका रिव्यू लिया कि सर आपको किस आपको मेरा मतलब ये कैसा लगा, तो उनका रिव्यू अच्छा आता है, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा चाय है,
लोग पी करके जाते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि मेरे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, वो डेली आते हैं, डेली पीते हैं और इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आप ये जो चाय है वो कूलर में सर्व कर रहे हैं? ठीक है, कूलर में सर्व। तो इसका क्या प्राइस आप रखते हैं? ज़्यादा नहीं सर, इसका प्राइस मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ ही रखा है जी। तो इनका प्राइस भी नॉमिनल है 10 रुपया। आज के ज़माने में एक कूलर में चाय पीना एक सबको भाता है, तो आप आकर यहाँ पे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं और इन लोग जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये भी आगे बढ़े। जी सर, मैं बिहार के इस युवा से, यहाँ के लोगों से मैं अति निवेदन करूँगा कि जिस तरह उन्होंने लोगों को सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने के लिए किया है, उसी तरह मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ और अपने मिडिल क्लास फैमिली को उस मतलब कि उनको ऊँचाइयों तक ले जा सकूँ और अपने पिता का सपना पूरा कर सकूँ। मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूँ। तो ये देख लीजिए, इनका इमोशनल टच यही स्टोरी था कि इनके पिताजी चाहते थे कि सरकारी नौकरी करें और सरकारी नौकरी नहीं हो पाया, तो ये अपना खुद का ही सरकारी चाय वाला एक स्टार्टअप चालू किया है जो कि पटना सिटी जो स्टेशन है उसके सामने में ये अपना ठेला लगाते हैं। तो आप लोग से ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर आए और एक बार यहाँ पे चाय पिए और इनको सपोर्ट ज़रूर करें।